आज मैंने दिवाकर समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। निश्चित ही खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से अपार जन समर्थन मुझे पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक विधायक होने के नाते मैंने विकास के बहुत सारे कार्य दीदी सुषमा स्वराज जी के सहयोग से खातेगांव में कराए हैं और इस बार भी पार्टी ने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, मुझे प्रत्याशी बनाया है। मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इस बार भी हम पिछले बार से भी अधिक मतों के साथ खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। भैया, आपने पार्टी के अंदर काफी विरोध झेला आपके क्षेत्र में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के अंदर टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन जब एक बार पार्टी का निर्णय आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव को जिताने के लिए अपने प्राण पण से जुट जाता है। टिकट मांगने का अधिकार सबको था और सबने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। कहीं भी हमने ये महसूस नहीं किया इसके कारण कार्यकर्ताओं में कोई मनमुटाव होगा या खटास आएगी। हम आज भी पूरे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और इस चुनाव अभियान में जा रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी विरोध तो अभी भी देखने को मिल रहा है कहीं कहीं? देखिए, मैं इसे विरोध नहीं मानता हूं। कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी नाराजगी अपनी जगह रहती है, लेकिन जब एक बार पार्टी का निर्णय आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का कम से कम जो कार्यकर्ता है वो इस निर्णय को स्वीकार करके ईमानदारी के साथ काम करने में लग जाता है। भैया, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 1001% और पिछले बार से ज्यादा मार्जिन से हम खातेगांव विधानसभा क्षेत्र इस बार जीते। थैंक यू।